हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी 2024 और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में आज दिन भर में क्या क्या मूवमेंट रहा, किस तरह से हमने ट्रेड वगैरह लिया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मैं पहले से कह दूँ कि आप लोग हो सके तो एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि जो जो बातें मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगेगी तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब रेगुलर बेसिस पे आप ट्रेड लेते हैं ना, तो ड्यूरिंग मार्केट आवर क्या होता है, बहुत बार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर आपके पास वो लिखा हुआ रहता है तो आपको उस वक्त तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि अरे ये मैंने कहीं सुना था, कहीं मैंने लिखा है, कहीं मैंने पढ़ा है ना। सो एक बार अगर नोट डाउन करना अगर आप शुरू करेंगे तो आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर में वो बहुत मदद करता है। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि प्लीज़ अगर हो सके तो आप लोग एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज दोस्तों जो है मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने 217.70 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। तो आज मार्केट ने 217 रुपये नीचे जाके क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। बट मैं हर वक्त कहता हूँ कि सिर्फ इस प्राइस को ना देखिए, ये प्राइस देखने में लग रहा है सिर्फ 200 रुपये का मार्केट में आज गिरावट हुई है, बट मैं मानता हूँ कि आज मार्केट में कितने अंक की गिरावट हुई है, ज़रा ये देखिए। तो मार्केट में मैं मानता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट हुई मार्केट में लगभग, ठीक है। तो लगभग आज मार्केट में जो है 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट की में गिरावट हुई है, ठीक है। 1000 पॉइंट मार्केट ने मूव किया है ऊपर से लेके नीचे तक। भले ही ये पिछले दिन के तुलना में, पिछले दिन से ये 217 अंक नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। पिछले दिन मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी थी, सो आज मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया, उसके हिसाब से ये दिया हुआ रहता है कि 217 अंक नीचे बंद हुआ है। चलिए मैं मान लेता हूँ, बट चूंकि हम तो ट्रेडर हैं ना, हम तो इन्वेस्टर हैं नहीं कि हमें इससे फर्क पड़ेगा कि 217 रुपये गिरे। हमें ये समझना है सेंटिमेंट के बारे में, हमें ये समझना है साइकोलॉजी के बारे में, हमें ये समझना है मार्केट के स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि हम हैं ट्रेडर। तो हमें समझना है कि मार्केट कल क्या कर सकता है, नेक्स्ट डे क्या कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें ये भी मेजर करना जरूरी होता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया। तो लगभग ये साढ़े मतलब 1000 पॉइंट ही पकड़िए, तो 1000 पॉइंट मार्केट ने आज ऊपर से नीचे तक ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। मार्केट यहाँ खुला था, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट नीचे आया तो मतलब मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ था बेरिश साइड में। किस साइड में दोस्तों, ठीक है, बेरिश साइड में, मतलब गिरावट की तरफ मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था। तो ये आपको समझना है कि आज मार्केट में लगभग 1000 अंक की गिरावट हुई है। ये बस हमें देखना है कि पिछले दिन से 217 अंक नीचे मार्केट में क्लोजिंग हुई है। अब जरा देखिए कि आप लोगों को जरा दिखा दो, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने आप लोगों, अगर नहीं देखा है अगर आप लोगों ने वीडियो दोस्तों, तो कल के वीडियो को जाके आप लोग अभी देख लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैंने कल के वीडियो में कहा भी था, इवनिंग में जो सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको ही पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ही पता है, मैंने बताया हुआ था कि ये जरा देखिए लेवल, ये जरा देख पा रहे हैं ये जो लेवल, मैं अभी मार्क करता हूँ तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये जरा देखिए, ये लेवल पहले देख लीजिए। अब जब दोस्तों मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर से आया है, यहाँ पे लोअर लो बना है, लोअर लो बन के लोअर हाई, ये ब्रेक डाउन हुआ था दोस्तों, ये ब्रेक डाउन हुआ था। सो मैंने कहा था कि ये जब ब्रेक सपोर्ट जब टूटा है, वापस जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना। मार्केट अगर ऊपर से आया, लोअर लो बना, प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई बना, अगर ये लो जो है, ये स्विंग लो अगर टूटता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लो कंटिन्यू हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो यही सपोर्ट वापस रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि मेजर जो गिरावट हुई थी, मेजर जो फॉल हुआ था, यही वो जगह है जहां से मेजर फॉल हुआ है ना। सो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे हैं, हैं यहाँ सेलर बैठे हैं। तो अगर गौर से देखें तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, तो जरा देखिए ये प्राइस लोअर हाई बना के जब प्राइस नीचे आया था दोस्तों, तो 4 दिन लग गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन तक मार्केट जो है इसी रेंज के पास, इसी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता रहा 4 दिन। 5वें दिन इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, 5वें दिन, ठीक है, 5वें दिन ब्रेकआउट दिया है। सो मैंने इस दिन भी कहा था कि अब जो ये ब्रेकआउट होगा इस लेवल का, इस लेवल का जो ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, मैंने पहले वीडियो में बताया भी हुआ है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर मैंने सेम बताया था, सेम इस जगह को देख लीजिए, यही हालत है। ये जो जगह है दोस्तों, गौर से देखिएगा, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ये जरा देखिए गौर से, ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये प्राइस जब ऊपर गया था, प्राइस इसी जगह से प्राइस नीचे आया था, फिर प्राइस ऊपर गया था, फिर प्राइस इसी जगह से नीचे आया था, वापस प्राइस ऐसे करते हुए ब्रेकआउट दिया था। तो जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था दोस्तों, तो इसे जब ब्रेक किया था, इसे जब ब्रेक किया था, प्राइस यहां आके सपोर्ट लिया, इसे जब ब्रेक किया था प्राइस यहां आके सपोर्ट लिया, सेम सिचुएशन, ये सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से आया ब्रेकडाउन दिया। तो जरा देखिए ब्रेकडाउन देने के बाद जब प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है।
3 दिन मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। चौथे दिन मार्केट गैप अप खुल के मार्केट नीचे गैप डाउन, मतलब नीचे ऊपर खुल के मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था नीचे, ठीक है। सो इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ था। तो जरा देखिए ये वही जगह है दोस्तों जहां पे मार्केट को, 3 4 दिन लग गए थे तोड़ने में। ये जगह देखिए, ये जो जगह है यहां पर 1 2 3 3 कैंडल जो है बार बार ट्राई किया था इसे तोड़ने के लिए, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था ही वाला, है ना। तो अब मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट जरा देखिए, ये जब पिछले दिन, जब 2 दिन पहले जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, तो मैंने कहा था अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। तो जरा देखिए प्राइस ऊपर तक गया यहाँ पर, और यही वो जगह है जहाँ से रिजेक्शन आया था। फिर अगले दिन फिर मार्केट खुला, यही वो जगह है जहाँ से रिजेक्शन आया। तो मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट सफल हुआ, इस लेवल को तोड़ने में सफल हुआ, तो अगली जो टारगेट हमारी होगी, वो पहली टारगेट हमारी ये होगी। मैंने कल कल के वीडियो में बताया था, अगर जिसने नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने कल ही बताया था कि पहला टारगेट हमारा ये होगा, और ये अगर टूटता है तो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा दोस्तों। ये मैंने बता के रखा था, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो में। ये मैंने कहा था ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो आज मार्केट जो है खुल ही गया गैप अप, आज मार्केट जो है, कल यहाँ पे बंद हुआ था, आज मार्केट खुल गया यहीं पर गैप अप। तो गैप अप खुल गया, मैंने कहा था पहला जो हमारा 250-300 का पॉइंट, 200-250 जो होगा ऊपर हमारा टारगेट होगा अगर यहाँ पे कहीं खुलता है मार्केट तो, और ये ब्रेक होता है तो ऊपर का हमारे पास 300 का मार्केट है। सो आज मार्केट खुला यहाँ पर, मार्केट ऊपर का ये लेवल भी टच कर गया, और वहां से मार्केट नीचे आ गया दोस्तों, वहां से मार्केट नीचे आ गया। तो अब जरा देखिए आज इंट्राडे में जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उन लोगों ने प्रॉफिट तो बुक किया। मैं भी अभी शेयर भी करूंगा किस तरह से मैंने ट्रेड लिया था, वो सब भी दिखाऊंगा। बट आपको ध्यान रखना होगा लेवल्स, अगर आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लेवल्स हैं, तो आप टाइमली एंट्री लेके टाइमली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जरा देखिए ये जब मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि ये लेवल जब टूटे, सॉरी ये लेवल जब टूटेगा तो प्राइस यहाँ तक आएगा, नेक्स्ट लेवल ये टूटेगा देन यहाँ आएगा। तो वैसा ही हुआ, आज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब जरा देखिए, अब चिंता की बात ये है ट्रेडर के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए, बट ट्रेडर के लिए ये समझने की बात है कि मार्केट दोस्तों देखिए मैं इसे रिमूव करता हूँ, हर वक्त ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई कैंडल अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे ये जरा देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल थोड़ा डोजी टाइप का ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो भले ही ऐसे है, अब ध्यान, मैंने बोला था कल कल के वीडियो में कि इसके नीचे अगर गया, पिछले दिन के नीचे अगर प्राइस गया, सो हमें दिख जाएगा डाउन साइड की तरफ मूव, नीचे नीचे डाउन साइड की तरफ मूव, सॉरी ये मैंने बताया था कि ये अगर टूटा तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, अगर ये टूटा सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, मैंने बताया था। क्यों बताया था दोस्तों, रीजन ये है, मैं चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, रीजन ये है, अगर आप लोग को देखना है तो कल के वीडियो को जाके देखिए, आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जब कल कैंडल नहीं था दोस्तों, ये जब कैंडल नहीं था तो मैंने कहा था अगर ये लेवल टूटता है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया था, मैंने कहा था अगर ये लेवल टूटेगा ऊपर की तरफ, सो पहला टारगेट हमारा दोस्तों ये होगा, मैंने कहा था पहला टारगेट ये होगा, और ये अगर ये ब्रेक होता है तो मैंने कहा था सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, ये टारगेट होगा। सो अभी जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैंने मार्केट से मैं मार्क कर रहा हूँ, अभी जब प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की जब बात थी, तो मैंने कहा था जैसे ही अगर ये टूटा तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट, ये मैंने डाउन साइड में बताया था। तो इस तरह से लेवल्स पता होने चाहिए कि कहाँ पे हमारे टारगेट्स होंगे। अब जरा देखिए एक चीज़ बात, एक ध्यान रखिएगा एक बात का, कि कभी भी कोई कैंडल अगर ऐसे है, कोई कैंडल अगर यहाँ ऐसे है, और अगले दिन मार्केट अगर गैप अप खुला, यहाँ खुला, यहाँ खुला गैप अप, सो पहले कैंडल क्या रहा होगा, ग्रीन रहा होगा, अगर यहाँ प्राइस खुला है तो ग्रीन रहा होगा, मतलब ये यहाँ खुलने के बाद प्राइस ऊपर भी गया, ये खुलने के बाद प्राइस ऊपर भी गया, यहाँ तक गया, तो यहाँ जाने के बाद अगर प्राइस ग्रीन कैंडल अब वापस अगर नीचे की तरफ आ रहा है, सेलिंग हो रही है, अब पिछले दिन के 50% बॉडी के आसपास अगर आ जाए मार्केट नीचे आ जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ डार्क क्लाउड कवर। और ये डार्क क्लाउड कवर जो होता है दोस्तों, ये पहचान होती है कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा, ये पहचान होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बट ये डार्क क्लाउड कवर बनना कहाँ चाहिए, रेजिस्टेंस पे। तो जरा देखिए ये रेजिस्टेंस टच भी कर गया, आज इस जोन को मार्क कर लेता हूं मैं पूरा, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, तो इस रेजिस्टेंस पे अगर डार्क क्लाउड कवर बन जाए तो फिर क्या मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ये गुंजाइश हो गई। और अगर कभी मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल ऐसे, रेड कैंडल ऐसे है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ रेड कैंडल ये है, अगली कोई कैंडल नीचे खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, तो पहले तो वो रेड रहा होगा, लेकिन अगर ये धीरे से ऊपर जा रहा है और पिछले दिन के 50% के आसपास आ गया अगर प्राइस, तो इसका मतलब है मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है,
मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इस कैंडल को कहते हैं हम लोग पियर्सिंग लाइन कहते हैं, पियर्सिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूं, तो पियर्सिंग लाइन क्या होता है, ये पहचान देता है कि अब मार्केट यहां से अब ऊपर की तरफ चल जाएगा, और डार्क क्लाउड कवर क्या कहता है कि अब मार्केट यहां से नीचे आ जाएगा। जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं पहले, उसके बाद ये जरा देखिए डार्क क्लाउड कवर, अभी आप देख पा रहे हैं इस कैंडल को, इस कैंडल को देख पा रहे हैं थोड़ा, ये देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया था, मार्केट ऊपर जाने के बाद इस कैंडल के बाद ये कैंडल गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस नीचे आ गया, यहां आ गया प्राइस, है ना। मैं गूगल का रेफरेंस ले रहा हूँ दोस्तों, तो समझ जाइए ये नीचे आया। तो अगर ये कैंडल देख रहे हैं पिछले कैंडल के 50% के नीचे अगर आ गया, तो उसके बाद देख रहे हैं मार्केट क्या है, नीचे आया। इस कैंडल को क्या कहते हैं, इस कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। सो ये हमें बताता है कि मार्केट अब नीचे आएगा। और पियर्सिंग लाइन जो है मैंने जो बताया, ये जरा देखिए पियर्सिंग लाइन इसे कहते हैं, ठीक है। ये जरा मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ये जरा देखिए इस कैंडल को देखिए, प्राइस नीचे आया था दोस्तों, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ये रेड कैंडल लास्ट कैंडल बना, नेक्स्ट जो कैंडल बना वो ग्रीन, मतलब गैप डाउन खुला, तो पहले रेड रहा होगा, लेकिन नीचे से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट में नीचे से बहुत खरीदारी हो रही है, और पिछले दिन के 50% के ऊपर चला जाए बॉडी, तो इसे हम कहते हैं पियर्सिंग लाइन, देख रहे हैं पियर्सिंग पैटर्न कह रहे हैं, तो पियर्सिंग लाइन। उसके बाद देखिए मार्केट फिर ऊपर ही चला गया, है ना। तो ध्यान रखना है इस इन सारी चीजों को, अगर आप लाइव मार्केट में पकड़ लेंगे तो ट्रेड को करने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप ट्रेड आराम से ले पाएंगे। तो जरा देखिए ये वही लेवल था जहां पे मैंने, सॉरी ये वही लेवल है जो रेजिस्टेंस पॉइंट पे मैंने बताया था। ये रेजिस्टेंस पे अगर गौर से देखें तो ये जो कैंडल है पिछले कैंडल के 50% के नीचे आ गया बॉडी, रेड कैंडल, तो ये एक डार्क क्लाउड कवर बन गया, डार्क क्लाउड कवर। सो अब ये पहचान दे रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। सो ये जान लीजिए कि अगले दिन, अभी मार्केट आज यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो अगले दिन जो मार्केट यहाँ पर ये टारगेट होगा, ठीक है, अगले दिन जो मार्केट है वो हो सकता है गैप डाउन ही खुल जाए। अगले दिन मार्केट मंडे, अगले दिन मतलब आज तो फ्राइडे हो गया, तो सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज है, मंडे हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए, और अगर यहाँ कहीं खुला भी तो मार्केट नीचे आ ही जाएगा, ठीक है, मार्केट नीचे आ जाएगा। या तो फिर मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है कि गैप अप खुल गया, तो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं आसपास खुला, यहाँ पे कहीं यहाँ अगर आसपास खुला, तो मार्केट को नीचे, ये जो पैटर्न बना है ये डाउन साइड का ही पैटर्न है, ये डार्क क्लाउड कवर यही बताता है मार्केट अब नीचे जाएगा। सो अब जो है अगला जो टारगेट होगा, ये जो लो था पिछले दिन का, जो लो पिछले कैंडल का लो, वहां तक मार्केट को आना ही आना है, मार्केट को पहला टारगेट ये होगा। और अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकडाउन अगर होता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ये होगा, दिस वुड बी आर सेकेंड टारगेट, दिस वन, ठीक है, यहां तक मार्केट आएगा। सो आपको ये दिख गया कि मार्केट अब तो डाउन साइड में आने वाला है, ऊपर नहीं जाने वाला है। हाँ, गैप अप खुल गया अगर वो अलग बात है, बट यहाँ खुल के फिर मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। सो अब जरा दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार, मैं लेवल्स को ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जरा देखिए मैं सारे लेवल्स मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ अभी आप सब लोगों को ये लेवल्स दिख रहे होंगे, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे चार्ट को बड़ा करता हूँ। अब जरा देखिए ये सारे लेवल्स मैं मार्क करके रखा हूँ। प्राइस दोस्तों जरा देखिए, जब ऊपर से प्राइस नीचे आया था, यही वो जगह है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट ने सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया था यहाँ पे, फिर प्राइस ने इसी जगह पे ब्रेकडाउन दिया था, इसी जगह पे, तो यही जगह है जब मार्केट जब ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, है ना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा था अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये, सेकेंड टारगेट जो है ऊपर की तरफ, है ना। तो मार्केट ने ये भी किया। अब जरा देखिए मार्केट यहाँ आया, इस जगह पे मार्केट ने टच कर लिया लेवल, फिर प्राइस यहाँ क्लोजिंग दे दिया। पिछले दिन मार्केट ने जो है यहाँ ओपन किया, मार्केट नीचे तक आया, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद क्लोजिंग यहीं पे दे दिया मार्केट ने। सो आज जो है एक्सपेक्टेड था कि अगर ये इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा, तो मैंने कहा था फर्स्ट टारगेट ये होगा, मैंने बताया था सबको, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो निकाल के देख लीजिए कल का, तो यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर ये ब्रेकआउट होगा तो सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, ये मैंने बता दिया था कल के वीडियो में। सो आज मार्केट यहाँ तक टारगेट दे दिया, तो आपको टाइमली टारगेट लेना बहुत जरूरी है। कई लोग टारगेट बुक नहीं कर पाते टाइम पे, तो यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना चाहिए था। अब जरा देखिए वहां से मार्केट नीचे आया, तो मैंने कल भी कहा था कि अगर नीचे यहाँ पे खुल के मार्केट अगर पिछले दिन के ओपनिंग के नीचे अगर खुल जाता है, तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, ये पहला टारगेट होगा, ये टूटा तो सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। तो अब अगर आज यहीं पे क्लोजिंग हो गई है मार्केट की, सो अब अगर कल अगर मार्केट यहीं कहीं खुल के नीचे आया, तो पहला टारगेट हमारा ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट ये, ठीक है। सारे टारगेट्स आप लोगों के सामने आ गए हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज हम लोगों ने ट्रेड किस तरह से प्लान किया है, और कैसे हम लोग पहले आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पर हमें एंट्री लेना चाहिए। तो जरा देखिए मैं पहले टेलीग्राम ओपन करता हूँ, आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे
ऑफिस आवर में, मतलब ड्यूरिंग मार्केट आवर, मैं ट्रेडिंग चार्ट, ये जो चार्ट्स होते हैं, मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ कि क्या व्यू हमारे बन रहे हैं। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, मैं कभी किसी को ये सजेस्ट नहीं करता ये बाइक कीजिए, ये सेल कीजिए, मैं कभी किसी को नहीं कहता। बस मैं शेयर करता हूँ कि क्या मेरा व्यू प्लान है, क्या मेरी स्टडी है, किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरह ट्रेड करना होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ मैं। तो देखिए, सुबह सुबह जब मैंने पोस्ट किया था, तो ये मैंने सुबह पोस्ट किया था चार्ट, देखिए देख पा रहे हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अच्छा, पहली बात तो दोस्तों ये कि जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है दोस्तों, आप तुरंत जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चार्ट के रिगार्डिंग, तो आपको सीखने को मिलेगा। प्लस मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इवनिंग में रात के 9 से लेकर 10 बजे तक हम लोग इंडेक्स एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से ट्रेडर्स आते हैं, तो बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी देखिए, और वो बिल्कुल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अभी ज़रा देखिए, आज मार्केट जो है, आज मार्केट खुला है यहाँ पर, ठीक है। पिछले दिन ज़रा देखिए, जब इसी लेवल पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट कितनी बार यहाँ कंसोलिडेट किया है, देख रहे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ, फिर यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहीं पे रुक गया था। सो ये मैंने बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही होगा, मैंने बताया था, कल मैंने बताया था ये फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। सो आज जब मार्केट यहीं इसी लेवल पे ही, जो 15 मिनट का लेवल है, इसी पर खुल गया, और खुलने के बाद यहीं पर मैं देख रहा हूँ, और ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 1 2 3 4 चार कैंडल लगभग बन गया है, तो 1 घंटा मार्केट ऑलरेडी जा चुका था, 1 घंटा। सो 1 घंटे तक अगर इसी लेवल में मार्केट अगर मूव कर रहा है, तो अब ध्यान रखिए कि ये जिस तरफ भी टूटेगा, अगर ये समझ लीजिए कुछ भी बन रहा है, टूटा तुरंत सेल कीजिए, ऊपर टूटा तो तुरंत सेल कीजिए, क्योंकि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है दोस्तों, लगभग 1 घंटे का कंसोलिडेशन हो चुका है। सो पहला चार्ट मैंने ये पोस्ट किया था, उसके बाद मैंने दोस्तों ये पोस्ट किया। अब जरा देखिए इस चार्ट को गौर से देखिए, अगर आप लोग गौर से देखें तो प्राइस ऊपर गया था यहाँ तक। अभी जरा देखिए ये विक जो है, ये हर वक्त आप लोग लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कीजिएगा, जब वीक है धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं धीरे धीरे वीक ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैं क्या कहता हूँ, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए दोस्तों हमें मिनिमम 2 स्विंग हाई, 2 स्विंग लो चाहिए होते हैं। तो अभी तो हमने ये मार्क कर लिया, नीचे जो है सपोर्ट बन रहा है, ऊपर जरा देखिए ये स्विंग लो हमें मिल रहा है, ऊपर 2 स्विंग हाई, ये 2 स्विंग हाई। तो इस 2 स्विंग हाई को और नीचे के स्विंग को अगर आप मिक्स कर दें, तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से क्या बन रहा है दोस्तों, इस तरह से क्या बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें क्या करना है, अब ये ट्रायंगल जिस साइड भी ऊपर भी ब्रेकआउट दे तो बाई कीजिए, नीचे ब्रेकडाउन दे तो सेल कीजिए तुरंत। अब यहां पर हमें वेट नहीं करना है, इस वक्त हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 घंटा कंसोलिडेशन ऑलरेडी बहुत हेल्दी कंसोलिडेशन हो चुका है, 1 घंटे का, 1 घंटे का हो चुका है। सो अब आपको ये नहीं करना है कि इस लेवल के नीचे, अब अगर ये ब्रेकडाउन दिया ना, तुरंत सेल कीजिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अब ये वेट मत कीजिए कि ये लेवल टूटना चाहिए, लेवल कब टूटने के लिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जब मार्केट ऊपर से गिर रहा है और फटाक से टूटा, तो मैं कहता हूँ कि तुरंत यहाँ मत सेल कीजिए, इसके नीचे अगर कंसोलिडेशन की बात जाए तब लीजिए, इस बीच में मत लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कंसोलिडेशन हो चुका है, अब ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत सेल कीजिए, ऊपर का स्टॉप लॉस, मार्केट नीचे आपको टारगेट दे देगा। सो ये मैंने चार्ट पोस्ट किया था, ये करने के बाद मैंने आप लोगों को ये पोस्ट किया था, जरा देखिए टारगेट, ठीक है। अब उसी चार्ट को मैंने 1 मिनट में जब शिफ्ट किया, तो ये 1 मिनट में इस तरह से फॉर्मेशन बन चुका था, 1 स्विंग हाई था, 2 स्विंग हाई, मैंने आगे स्ट्रेच किया, नीचे मैंने देखा 2 स्विंग लो, आगे मैंने स्ट्रेच किया, तो मुझे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन मिल गया। तो जब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, जैसे ही ये ब्रेकडाउन दिया, मैंने सेल मारा, इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का मेरा टारगेट था दोस्तों, 1:2 जैसे ही मिला मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये फर्स्ट ट्रेड था मेरा, ठीक है। सेकंड ट्रेड मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, सेकंड ट्रेड मैंने क्या लिया था ये देखिए, अब रीजन क्या था वो भी बता देता हूँ दोस्तों। जब ये प्राइस सुबह जब आज खुला था, तो गैप अप खुला था, तो गैप अप यहाँ खुला, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, है ना। सो ये है एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया था, तो ये आज दिन का पहला लो था, प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये 15 मिनट के जोन में मार्केट था, ठीक है, ऐसे था। अब जरा देखिए सेकेंड टाइम आके मार्केट यहाँ अगेन सपोर्ट लिया, देख पा रहे हैं इसी जगह पे, यही वो जोन है जहाँ पे मार्केट वापस आके सपोर्ट लिया। तो ऊपर से जरा देखिए एक स्विंग लो बनता जा रहा है, स्विंग हाई मतलब लोअर हाई बनता जा रहा है, और नीचे जो है एक सपोर्ट बन रहा है ना, नीचे एक सपोर्ट बन रहा है। तो अब जब प्राइस नीचे आया और ऐसे घूमने के बाद ये ब्रेकडाउन दिया, देख पा रहे हैं ब्रेकडाउन दिया। सो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया दोस्तों, सो मैंने देखा कि यही वो लेवल है कि जो इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, तो ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था उस वक्त। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, तो अब जरा ध्यान रखिए कि इसी जगह से जब ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस अगर ऊपर जाएगा, तो ये जो सपोर्ट जो टूटा है, ये वापस रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। तो ऑलरेडी जब मार्केट इसे तोड़ा है, यहाँ पे सेलर बैठे हैं,
ठीक है, इस जगह सेलर बैठे हैं। अब यहां से रेजिस्टेंस लिया मार्केट, मार्केट नीचे आया, वापस जब ये प्राइस ऊपर जाके यहां से मैंने देखा दोबारा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो मैं कंफर्म हो गया कि अब इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है। सो अभी इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, जरा देखिए ये ऊपर से टूटा मार्केट, तो अब ऐसे करके ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, ये मैंने प्लान किया था कि अब ऐसा होगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट भी कर लिया, वापस मार्केट नीचे गया, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर नहीं जा पा रहे नीचे, तो जैसे ही ब्रेक डाउन दिया मैंने सेल मार दिया था, सेल मारा और मैंने टारगेट रखा था 1:2, तो मार्केट थोड़ा नीचे तक आया लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर जाके जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, ये दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सो कोई बात नहीं, मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रोसेस फॉलो किया। यहाँ मैंने सेल किया, ठीक है, और मैंने क्यों सेल किया वो भी बता दिया कि सपोर्ट डे का जो लो था वो टूटा था, एक सपोर्ट टूटा था, तो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना। अभी जरा देख रहा हूँ कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ था इसी जगह पे मार्केट टहले जा रहा है, बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ मैंने सेल मारा, ऊपर का स्टॉप लॉस दिया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर तक गया, फिर मार्केट यहाँ तक भी आया लेकिन फिर जाके ऊपर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो कोई बात नहीं, ये सेकंड ट्रेड था दोस्तों मेरा। अब थर्ड जो ट्रेड था उसके पहले मैंने ये पोस्ट किया था कि जरा देखिए प्राइस इसी जगह से मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे बना हुआ है, तो लोअर लो बना है, लोअर हाई बना है, बट ओवरऑल अगर पिक्चर देखे तो ऐसे था, मार्केट गैप अप खुला तो दोस्तों ऐसे है, हायर हाई हायर लो, और अभी प्राइस ऐसे है ऐसे। सो ये इसके बाद मैंने पोस्ट किया ये, ठीक है, अभी जरा देखिए प्राइस यहां से आया है, यहां एक सपोर्ट बना, देख पा रहे हैं यहां सपोर्ट बन गया, एक बार सपोर्ट बना फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर प्राइस ऊपर चला गया और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास गया है। तो अब जैसे ही यहां से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, मैंने देखा कि निफ्टी में जो है मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, निफ्टी में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, और जब निफ्टी में ब्रेकआउट दे दिया और निफ्टी बहुत बुलिश था, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, सो मेरा मेरा जो रुझान था कि नहीं अब बैंक निफ्टी में जो है कुछ मूवमेंट लाने वाला है, बैंक निफ्टी मूवमेंट आने वाला है। सो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया और टहलना शुरू हुआ, मैं इस पर नजर बना के बैठा था कि अब कोई मूवमेंट देगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो जरा देखिए ये मैं दिखाता हूँ, अब मैंने लेवल मार्क करके रखा था, ये लेवल सारे मैंने मार्क करके रखे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो जरा देखिए मार्केट इस लेवल के पास में था, इस लेवल के पास में था, तो मैंने बताया कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, और अगर ब्रेकडाउन होगा तो नेक्स्ट टारगेट ये नेक्स्ट टारगेट ये, तो मैंने लेवल मार्क करके भेजा था। ठीक है, अब जरा देखिए ये मैंने ट्रेड लिया, सेम चार्ट को मैंने 1 मिनट में शिफ्ट किया सेम चार्ट को। अब जरा देखिए यहाँ पर प्राइस आया था, इतनी बार सपोर्ट लेके प्राइस ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर गया, मैं नहीं ले पाया था, मार्केट में ये लेवल था, यहाँ पे मार्केट आके यहाँ जरा देखिए कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर गया, इसी जगह से जब ये रिजेक्शन लेके हायर हाई हायर लो बना के जैसे ही ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ बाई किया ये स्टॉप लॉस, और ये मैंने टारगेट रखा था, मेरा 1:2 टारगेट मिल गया, 1:2। ठीक है, ये छोटा टारगेट था, लेकिन दोस्तों मैं देखिए हर वक्त मैं कहता हूँ प्रॉफिट लॉस जो है उस पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, प्रॉफिट हो चाहे लॉस उस पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रोसेस। ठीक है, कई बार मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का 500 पॉइंट मिल जाता है, 300 पॉइंट मिल जाता है, 200 पॉइंट मिल जाता है, 250 पॉइंट मिल जाता है, कभी कभी 40 पॉइंट मिलते हैं, कभी 30 पॉइंट मिलते हैं, तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं, मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं देखा ये इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट, अब जब इसे तोड़ा है मार्केट ने, मैंने बाई किया यहाँ स्टॉप लॉस ऊपर का ये टारगेट। सो ये मेरा थर्ड ट्रेड था दोस्तों। ठीक है, सो ओवरऑल आज मेरा जो ट्रेड था ये फोर्थ ट्रेड, ठीक है, ये मेरा फोर्थ ट्रेड था। अब फोर्थ ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, प्राइस ऊपर गया था, ये हाई बना दिया, ठीक है, हाई बना दिया, अब जरा देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगभग सेम लो के आसपास आ गया था। अब मार्केट देखिए जरा यहाँ से आने के बाद प्राइस यहाँ आया और ये ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ठीक है, मैं ये ट्रेड नहीं लिया था, प्राइस ऊपर गया, अब इसी जगह से जरा देखिए प्राइस नीचे आया, प्राइस अगेन ऊपर गया, अब डबल टॉप बन गया, डबल टॉप, तो जैसे ही इसके नीचे प्राइस गया मैंने सेल मारा, इसके ऊपर गया स्टॉप लॉस, और 1:2 का मैंने टारगेट रखा था, 1:2 मिला, मैं निकल गया। तो आज यही दोस्तों चार ट्रेड थे जो मैंने लिए थे जिसमें से मेरा एक लॉस हुआ है। लॉस दोस्तों कभी भी हो तो आप अपसेट ना हो, लॉस एक पार्ट है ट्रेड का, वो आपको मार्केट में देना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है लॉस, वो आपको देना होगा, और जितने आप स्टॉप लॉस देंगे बट छोटे स्टॉप लॉस दीजिए उतना क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो ठीक है यार मैं वेट कर सकता हूँ ट्रेड के लिए, अदरवाइज क्या है कि आप हर ट्रेड से भाग जाएंगे स्टॉप लॉस के डर से, तो वेट करते रहना पड़ेगा, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और आप मैकेनिकल वे में ट्रेड कीजिए, एकदम बिल्कुल परवाह ना करें लॉस का, इमोशनल नहीं होना है हमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ वैल्यू मिला होगा। दोस्तों देखिए अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि हमारे कोर्सेज को लेते हैं सीखते हैं, और उनका रिजल्ट जिस तरह का है वो आप देखते रहेंगे, जब वीडियोज़ वगैरह देखेंगे कमेंट्स उसके नीचे आते रहते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है। सो अब रही बात ये कि
जो भी बिगनर हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे वीडियो में, उनसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वैल्यूबल कंटेंट है मैं वो डालता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।